वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने शायद पीछे ये टॉपिक छोड़ा था, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम बिजनेस लॉ के अंदर ही। बिजनेस लॉ में हमारा एक टॉपिक आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और दोस्तों ये पता है टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ट्वेल्थ में कॉमर्स से किया हुआ है, तो उन्होंने वहाँ पार्टनरशिप के बारे में एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन सब कुछ पढ़ा था। वहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए थे कैसे करते हैं एडमिशन, कैसे होगा रिटायरमेंट, गुडविल वैल्यूएशन, सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अब लेकिन उन बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ेगा जिन्होंने पहले पार्टनरशिप नहीं पढ़ी हुई। तो अब टॉपिक शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। पहली बात तो ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, हम इंटरनेशनल बात नहीं कर रहे। नंबर टू, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट की, मतलब जिसमें हम ये समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं, उनके रोल्स क्या हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी लायबिलिटी कितनी है कंपनी की तरफ, बाहर वालों की तरफ, घर वालों की तरफ। घर वाले नहीं, ठीक है, घर वाले मतलब शेयर होल्डर्स। तो ये 1932 में पास हुआ था। अब ये कहते क्या है, जो जो अच्छा होगा मैं हाईलाइट करता चले जाऊँगा और आप इसको पढ़ते चले जाइएगा। मैं आपका दोस्त नितिन और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। जब जब वीडियो आएंगी, अगर आपके मतलब की होंगी तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं होंगी दोस्तों के मतलब की होंगी तो उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ाता हूँ मैं, जैसे कि बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट खत्म कर चुका हूँ और EVS भी आने वाला है। सब आपके लिए है, जितना मुझे आता है मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि नॉलेज अपने पास रख के मुझे क्या करना है। तो शुरू करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये कहता है, द लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज कंटेन्ड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच केम इनटू फोर्स इन 1 अक्टूबर। ये सब चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, लेकिन पता होनी चाहिए कि इंग्लिश लॉ में कब शुरू हुआ था और हमारे एक्चुअली में कब शुरू हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1932 को ये लॉ इस्टेब्लिश किया गया था। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, देखो तो पहली बात तो पार्टनरशिप कभी अकेले से नहीं होती कि मैं अपना पार्टनर शीशे में देख के बन जाऊँ, ठीक है, तो हमें दो लोग तो चाहिए। तो ये कहते हैं, सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंड पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दो या दो लोगों से ज्यादा लोग जब एक बिजनेस को शुरू करते हैं ताकि उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा हम शेयर करेंगे। अब वो बिजनेस चाहे तो हम सब चलाएंगे या कोई एक चलाएगा सबके बिहाफ पे, समझ आ रहा है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दो भी चला सकते हैं, अगर पांच पार्टनर है तो पांचों के पांचों चला लो, दो चला लो, एक चला लो, इट कैन डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप यू हैव फॉर्म्ड। द इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंड पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप विच सब्सिस्ट बिटवीन पर्संस कैरिंग ऑन बिजनेस इन कॉमन विद अ व्यू ऑफ प्रॉफिट। मेन कारण क्या है तो पार्टनर बनने का, प्रॉफिट शेयर करना है। प्रॉफिट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी होता है। तो इसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है पार्टनरशिप के, याद रखने। नंबर वन, एटलीस्ट टू पीपल शुड बी देयर, अकेला बंदा पार्टनर कैसे बनेगा, मैं और मेरा खुदा, मैं और मेरा भगवान, मैं और मेरे अल्लाह, मेरा ऐसा नहीं होता, मैं और मैं नहीं हो सकता, मैं और कोई और मिलके ही पार्टनरशिप करेंगे। इट शुड बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने जो भी कंडीशंस पढ़ी हैं एग्रीमेंट के लिए, वो सब यहाँ पे भी लागू होंगी। इट इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन अ बिजनेस, ये नहीं कि चल हम दोनों मिलके कुछ भी करेंगे, कुछ भी नहीं, बिजनेस करेंगे। हम दोनों मिलके एक जॉब नहीं कर सकते, हम दोनों मिलके किसी का कत्ल नहीं कर सकते कि हम चलो हम सुपारी लेंगे, ये बिजनेस नहीं है। द पर्सन कंसर्न एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब हम लोग शेयर करेंगे प्रॉफिट, ये हम एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ। द बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जरूरी नहीं कि सब लोग मिलकर, सारे लोग काम करेंगे, कोई एक भी कर सकता है सबके बिहाफ में। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, नंबर वन, एसोसिएशन ऑफ एटलीस्ट टू पर्सन, नंबर टू, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, मींस एग्रीमेंट के जो आपने किया था ना, इट शुड बी रिटन और इट शुड बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, व्हाटएवर, इट शुड बी वर्बल और रिटन, वेरी फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट। The agreement to create a partnership may as well as arise from the conduct of parties concerned. Business, there should be a business, ऐसा नहीं कुछ भी करेंगे हम। The word business generally conveys the idea of running business involving numerous transactions. यानी कि हम मिलके एक प्रॉपर्टी बेचेंगे, वो बिजनेस नहीं है। आप कंटिन्यूसली इसको करोगे, जैसे अगर आप बिजनेस शुरू करोगे तो दोनों मिलके भी शुरू करेंगे तो कंटिन्यूसली चलाएंगे उसको। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिवाइड,
जब भी 2 रुपये आएगा 2 रुपये, 10,000 आएगा 10,000, 10 लाख आएगा 10 लाख, हम मिलके बांटेंगे। म्यूचुअल एजेंसी, द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है। इन अ पार्टनरशिप ऑल द एलिमेंट्स मेंशन अबव मस्ट बी प्रेजेंट। दस ऑल द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, येट द ट्रू टेस्ट इज एलिमेंट ऑफ एजेंसी। फॉर दिस रीजन क्रेडिटर्स हु एडवांस हिज मनी ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट ही वुड हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन लियू ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अ पार्टनर। कि मैं तो सिर्फ पैसा देके इंटरेस्ट लूंगा तो वो आप पार्टनर नहीं हो, पैसा लेके आपको काम करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको मिलेगा। टू सम अप, फॉर डिटरमिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी कंसीडर्ड। नंबर वन, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ओरल और रिटन। नंबर टू, एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट। एंड थर्ड, प्रॉफिट मस्ट अराइज फ्रॉम अ बिजनेस एंड द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, और नंबर टू, हाउ कैन वी टेस्ट वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप और नो पार्टनरशिप। तो ये चार पॉइंट आपको इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करने होते हैं। चलिए, अब बहुत सारी ऐसी अदर तरीके की एसोसिएशंस होती हैं जिसको हम कंफ्यूजन लेते हैं कि ये पार्टनरशिप है। जरूरी नहीं है कि हर तरह की एसोसिएशन एक पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, इन दोनों में फर्क होता है। को ओनरशिप मीन्स ज्वाइंट ओनरशिप। ए एंड बी ज्वाइंटली बाय अ हॉर्स फॉर देयर राइडिंग। ए और बी ने दोनों ने मिलकर एक घोड़ा लिया है कि हम दोनों इसको राइड करेंगे। ये पार्टनरशिप नहीं है, ये को ओनरशिप है। हम दोनों दो लोगों ने मिलकर एक गाड़ी खरीद ली, तो ये को ओनरशिप है। हम दोनों मिलकर रेस्टोरेंट चलाएंगे, ये पार्टनरशिप है। हम दोनों मिलकर एक कंसल्टेंसी फर्म खोलेंगे, उसमें काम करेंगे, ये पार्टनरशिप है। हम दोनों मिलकर एक घर खरीदेंगे, उसमें रहेंगे, ये को ओनरशिप है। समझ आ रहा है, एग्जांपल समझ आ जाएगा। तो को ओनरशिप इज नॉट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, इट मे अराइज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ और फ्रॉम स्टेटस, दैट इज फॉर एग्जांपल को हेयर ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सन टू हूम प्रॉपर्टी इज जॉइंटली गिवन। ऑन द अदर हैंड, इट इज नेसेसरी द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। पार्टनरशिप नेसेसरली इन्वॉल्व वर्किंग फॉर प्रॉफिट। एक जगह तो हम बैठ के सब एंजॉय करेंगे, दैट इज को ओनरशिप। लेकिन हम दोनों मिलकर काम करेंगे, उसके जो रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो हम शेयर करेंगे, दैट इज पार्टनरशिप। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, इसको पूरा आप पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। इसके पॉइंट्स हैं, नंबर 4, 3, 2, 1 मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये रहा 1। ये सब पॉइंट्स में आपने क्या करना है, एक टेबल बना के ना इधर पार्टनरशिप लिखना है, इधर को ओनरशिप। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कभी डिफ्रेंसिएशन आते हैं ना, हमेशा टीचर को पसंद आता है वो स्टूडेंट जो एक टेबलर फॉर्म में डिफरेंशिएशन देता है। लेफ्ट में पॉइंट, सेकंड में उसका नाम दूसरे का, फिर जैसे उधर पॉइंट, पार्टनरशिप, कोऑनरशिप, इनको एक्सप्लेन कर दो। पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है, आपको पता है पार्टनर मिलके कंपनी चला सकते हैं। द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू मे बी अज्यूम समड अप एज, अ कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट। In the case of partnership, registration is not compulsory. The maximum number of persons required to form a company is 7 in the case of public company and 2 in the case of private company. But a partnership can be of 2. Company mein 7 log bhi chahiye hote hain kabhi kabhi. Nahi, partnership mein minimum 2 chahiye. Public company may have any number of members. A private company cannot have more than 50 members. A partnership carrying on banking business cannot have more than 10 members. Ab kya hota hai? जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें कितने भी नंबर मेंबर्स ले आओ, शेयर होल्डर्स जितने मर्जी ले आओ, प्राइवेट कंपनी में 50 हो सकते हैं। पार्टनरशिप बैंकिंग बिजनेस में 10 मेंबर्स से ऊपर नहीं हो सकते। एंड पार्टनरशिप कैरिंग ऑन अदर बिजनेस कैन नॉट हैव मोर देन 20 पार्टनर्स। अगर आप 20 से ऊपर पार्टनर लेकर आ गए तो आपके पार्टनरशिप नहीं रहेगी। अ कंपनी इज रिगार्डेड बाय लॉ एज ए सिंगल पर्सन। एक कंपनी को एक सिंगल पर्सन माना जाता है, लेकिन पार्टनरशिप में इट इज नॉट लीगल एंटिटी एंड हैज नो राइट एंड ऑब्लिगेशन सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। हर पार्टनर ही कंपनी का पार्ट माना जाता है। किसी से भी डील कर लो, वो कंपनी एक दूसरे की ही मानी जाएगी। द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप इज ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी होगी ज्वाइंट ओनर होगा, लेकिन कंपनी की जरूरी नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी बिलोंग टू कंपनी, शेयर होल्डर has no connection with that property, वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी होगी।
अगर आपके यहाँ शेयर हैं बाटा में या मैकडोनल्ड्स में या फिर आप किसी अमेजोन में आपके शेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी आपकी हो गई, आपकी सिर्फ हिस्सेदारी है डिविडेंड्स के लिए। द कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कभी खत्म नहीं होती है, एज्यूम किया जाता है चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और लेकिन पार्टनरशिप का क्या होता है, अगर पार्टनर मर गया तो या दिवाला निकल गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द डेट ऑफ पार्टनर इज ऑलवेज अनलिमिटेड। पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर्सनल डेट्स के भी उससे पैसे निकाल लिए जा सकते हैं, लेकिन कंपनी की लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट शेयर होल्डर से पैसे लिए हैं। द क्रेडिटर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर क्रेडिटर्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप के अंदर किसी लेनदार ने मतलब सप्लायर ने अगर पैसे लेने हैं तो हर पार्टनर उसका रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कंपनी से ले लो जाके, मेरे बस की नहीं है। एवरी पार्टनर इज इक्वली लाइबल फॉर द आउटस्टैंडिंग डेट्स। लेकिन कंपनी का जो क्रेडिटर होता है ना आर नॉट क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। अ डिक्री ऑब्टेंड अगेंस्ट अ कंपनी कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली अगेंस्ट द कंपनी। कई बार आपने सुना होगा ना, मैं कई बार डायलॉग मारता हूँ ये वाला, हमारी कंपनी डूबी मैं डूबा क्या। मतलब ये डायलॉग था एक मूवी के अंदर, उसमें विलियन बोलता है हीरो को, विलियन का नाम था आदित्य पंचोली, हीरो का नाम था शाहरुख खान, मूवी थी चलते चलते। तो उसमें शाहरुख खान जाते हैं विलियन के पास, वो कहता है कि मेरे पैसे थे आपकी तरफ, वो कहता है मेरी कंपनी डूब गई। फिर वो रोने लग जाता है, फिर वो कहता है कि यार एक बात बताओ, मेरी कंपनी डूबी मैं डूबा क्या। तुम लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, मतलब एक छोटी सी मूवी लेके इतना बड़ा डायलॉग मार दिया उसने कि कंपनी डूबती है तो मालिक नहीं डूबेगा, लेकिन पार्टनरशिप डूबी तो सारे पार्टनर डूब सकते हैं, याद रखना ठीक है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर ना लोगों के पास छोटी छोटी गाड़ियाँ नहीं होती, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। अ पार्टनर ऑफ फर्म कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म और एन आउटसाइड एंड मेक द ट्रांसफर ए पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये एयू नहीं है, ऑल होगा ठीक। एक पार्टनर अपना वेस्टेड इंटरेस्ट किसी और को नहीं दे सकता, हमेशा उसको देने से पहले या कुछ भी करने से पहले सारे पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। सिमिलरली अ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स। लेकिन शेयर होल्डर के पास तो शेयर कंपनी का है ना, कंपनी क्या कर रही है मुझे क्या मतलब, मैं अपना शेयर बेच भी सकता हूँ खरीद भी सकता हूँ, अपने बच्चों को दे सकता हूँ, अपने पड़ोसी को दे सकता हूँ, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। थर्ड आता है हमारा पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारे जो बच्चे पहले कॉमर्स साइड से नहीं है उनको बताता हूँ। आपने सुना होगा बहुत सारी जगह लिखा होता है LLC, वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वो होता है पार्टनरशिप। कई जगह लिखा होगा आपने मेहरा एंड सन्स, मल्होत्रा एंड सन्स, एंड सन्स, एंड सन्स। ये जो एंड सन्स वाले होते हैं ना, ये सब होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। मतलब इनका बिजनेस जो होता है वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का होता है, जिसमें एक कर्ता होता है एक बाकी सब उसके काम करने वाले होते हैं। अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली विच कैरीज ऑन अ बिजनेस हैंडेड डाउन फ्रॉम इट्स एंसेस्टर्स इज कॉल्ड अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म। द इंटरेस्ट इन द बिजनेस पासिस बाय सुपर सर्वाइवरशिप टू द सर्वाइविंग मेंबर। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा ठीक है ना, तो मालिक का बेटा ही मालिक बनेगा। मतलब अपने बेटे को ही आगे बिजनेस कराया, वो आगे बिजनेस करेगा, वही आगे सेम बिजनेस करेंगे, अलग नहीं जाएगा कोई। एंड एवरी मेंबर एक्वायर्स बाय बर्थ पैदाइशी एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट एंड एसेट ऑफ द बिजनेस। दिस इज नॉट पार्टनरशिप बट अ को पार्सनरी रिलेशन क्रिएटेड बाय हिंदू लॉ एंड ईच मेंबर इज कॉल्ड को पार्सनर। पार्टनर नहीं है, पार्सनर है। द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदू एंड फैमिली एंड पार्टनरशिप में भी दीज फॉलोज। नंबर वन, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है कि बाय बर्थ आप उसके मेंबर बन जाते हो। इन अ पार्टनरशिप द डेथ ऑफ पार्टनरशिप डिजॉल्व द फर्म। जैसे ही कोई पार्टनर बना पार्टनरशिप खत्म हो गई, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली वगैरह में बिजनेस के अंदर क्या होता है HUF बोलते हैं उसको हम, वो क्या होता है जैसे कोई सर्वाइवरशिप खत्म हुई तो दूसरा बंदा आपका उसका केयर टेकर बन जाएगा। इट इज नॉट डिजॉल्व्ड इन अ ज्वाइंट इन द ज्वाइंट फैमिली फर्म। ओनली द मैनेजर और कर्ता हैज अथॉरिटी टू बाइंड द मेंबर्स। वहाँ पे एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द कंपनी फर्म होता है, उसका नाम होता है कर्ता। लेकिन पार्टनरशिप में हर बंदा हर पार्टनर आपका बाइंडिंग कर सकता है। फिर इन अ पार्टनरशिप एवरी पार्टनर इज पर्सनली लाइबल टू अ अनलिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बाकियों के इतनी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, सिर्फ अपने शेयर तक की लाइबिलिटी होती है। माइनर मेंबर ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली आर मेंबर्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ देयर
बर्थ, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो गया हो, जैसे ही वो उसका उसकी पैदाइश हुई उसके अंदर वो मेंबर बन गया। पार्टनर, द पार्टनर हैव अ राइट टू डिमांड अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब मैं चाहूँ तो अपने सारे अकाउंट दिखाओ मुझे, इनकम स्टेटमेंट दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, मेरे को देखना कितना प्रॉफिट होता है, लेकिन हिंदू इंडियन फैमिली के अंदर हिज ओनली राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म, वो अकाउंट नहीं मांग सकता। द पार्टनरशिप इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट, ज्वाइंट इन द फैमिली फर्म इज गवर्न बाय हिंदू लॉ। पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस होता है? अब क्लब में तो यार मेंबर होते हैं ना, अब एक लाइब्रेरी में जाते हो, जिम खाना में जाते हो, आप एक स्पा में, वो क्या कहते हैं, जुम्बा में जाते हो, इतनी सारी जगह पे आप एक्टिविटी करते हो, वो सब क्लब होते हैं, वहाँ पार्टनरशिप नहीं बनते, वहाँ पे आप मेंबर बनते हो। तो ये बड़ा सिंपल तरीका समझने का, वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलते हैं। आज आप लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले सकते हो, पार्टनरशिप नहीं मिलती आपको। अ क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर सोशल पर्पज। तो जितने बच्चों ने 11th में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है वहाँ से समझ आएगा। इट इज नॉट फॉर्म फॉर द गेन एंड लॉ एंड इट इज नॉट देयर फॉर अ पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप होगी तो प्रॉफिट का नाम आएगा, लेकिन यहाँ प्रॉफिट ही नहीं है तो वो क्लब बन जाता है। अ क्लब इज नॉट अ बिजनेस, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। और पार्टनरशिप में बिजनेस होता है। मेंबर ऑफ क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ द अदर मेंबर्स, लेकिन पार्टनरशिप में एजेंसी लॉ फॉलो होता है, मैं सबके बिहाफ पे काम कर सकता हूँ। मेंबर ऑफ योर क्लब इज नॉट लायबल फॉर द डेट ऑफ द क्लब। अब क्लब में कुछ प्रॉब्लम हुई थोड़ी मेंबर बोलेगा हाँ जी मुझसे पैसे ले लो, नहीं, पार्टनरशिप में पार्टनर से भी पैसे लिए जाएंगे। मेंबर की डेथ होगी तो क्या क्लब बंद हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन पार्टनर की डेथ होगी तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। अ मेंबर ऑफ अ क्लब हैज नो ट्रांसमिसेबल इंटरेस्ट इन द क्लब सो दैट ऑन हिज डेथ हिज हीयर्स कैन नॉट क्लेम द इनहेरिट एजेंट ऑफ द राइट। अभी थोड़ी मेरी मेंबरशिप जिम में थी, अब जिम में जाने वाले की डेथ हो गई तो कहेगा मेरे बच्चे को जिम की मेंबरशिप दे दो, अब ऐसा नहीं होता। लेकिन पार्टनरशिप में शायद इट कैन बी इनहेरिटेड अगर वो लॉ में लिखा होगा तो। अब क्वेश्चन उठता है सर पार्टनरशिप बनती कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी? इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप ऑल द एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। तो सबसे पहले जो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था उसके सारे एलिमेंट वैसे ना पढ़े हुए तो वो सारे एलिमेंट इसमें शामिल होने चाहिए। देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, पार्टीज मस्ट बी कैपेसिटी इन द कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दस एन एलियन फ्रेंड कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप, एन एलियन एनिमी कैन नॉट। अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू द पार्टनर, अ माइनर कैन हाउएवर बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप if all the partner agree to do so. A partnership agreement may be oral or it may be implied or inferred from the conduct of the parties. When it is reduced to writing, it is incorporated in a document known as deed. ये जो word है ना deed और partnership, deed और article of partnership. याद रखना deed, D-E-E-D, ठीक है? Must be stamped. ये stamp होने चाहिए according to the provision of Stamp Act. Therefore, Thereafter, the firm may be registered with the registrar of the firms. ठीक है? According to section 58, the registration should be made in the form of statement signed by all the partners giving. अब उस stamp paper पे जो आप agreement लिख रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, आप दोनों मिलकर company खोली उसका नाम क्या है? नामकरण, principal place क्या है, कहाँ से काम करोगे, mainly head office कौन सा होगा, दूसरी जगह कहाँ का branches है, किस date पे हर partner ने join किया, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर दो, एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म कि कितने टाइम से ये फर्म ऑलरेडी काम कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में, छोटी सी क्लास में शुरुआत कर रही है मैंने, ये 5 पेजेस पढ़े हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रेजोल्यूशन सब पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ो उसके अपने दिमाग में रख लो, दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ चाहिए नहीं, बस आप मुझे मोटिवेट करते रहो, क्या पढ़ना है मुझे बताते रहो, अगर मुझे आता होगा तो पढ़ाता रहूँगा, अगर नहीं आता होगा तो माफ़ी मांग लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक, छोटी सी क्लास बनाएंगे पार्टनरशिप की, नेक्स्ट क्लास जब भी इसकी बनाऊंगा, हालांकि ऑन बोर्ड लेक्चर मेरे कोस्ट अकाउंटिंग के चल रहे हैं, वो आप पढ़ते रहो साथ साथ, बाकी भी चीज़ें चल ही रही हैं आप पढ़ते रहो, लेकिन ये थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चलो आज पार्टनरशिप पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ तक आप पढ़िए एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डिफ्रेंसिएशन विद अदर एसोसिएशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये आपको आज पढ़ना है। 4 पेजेस हैं सिर्फ, छोटे छोटे पेजेस, छोटी छोटी पढ़ाई, डेली पढ़ेंगे और अच्छे से नंबर स्कोर करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।